लोगों ने 2 किलोमीटर चल लिया है और अभी बस 2 किलोमीटर और बचा है। ऊपर भी देखिए पूरा शेप इसका टेम्पल के जैसा है और नीचे भी देखिए गैप बहुत ही। भगवान के मानस खंड में महर्षि व्यास जी जो थे वो ऋषियों को बताते थे कि सरयू और श्यामा नदी के बीच ना इतनी शांति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में आ गए। एक लोग भी कभी आउटिंग में जाते हो तो अपने घोड़े को इकट्ठा करिए या तो फिर जला दीजिए या तो फिर उसे इकट्ठा करके एक जगह में रख दीजिए। अपनी विश मांगनी है तो मैं भी अपनी विश मांगती हूँ। इतनी बड़ी झील है और बहुत ही गहरी और यहाँ पे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 5:30 से और आजकल चल रहे हमारे समर वैकेशन और इसी मौके पे हम लोग जा रहे हैं टेंपल। सो हम लोग जा रहे हैं लॉर्ड शिवा के टेंपल और ये टेंपल ना बहुत ही सुंदर एकदम माउंटेन के टॉप में है और इस टेंपल में पहुँचने के लिए हमें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। सो अभी हम लोग चल रहे हैं। सो सिर्फ टेंपल जाने के लिए यहाँ पे 2 रोड्स हैं। एक रोड जाती है टनकपुर को और एक रोड जाती है बड़ाबे को। तो हमें लेनी है बड़ाबे साइड वाली रोड और यहाँ पे आ गया हमारा स्कूल और यहाँ पे देखिए हमारे स्कूल की बसें। सो सिलिंग से भी आगे 2 रोड जाती है, एक रोड जाती है खतेड़ा साइड और एक रोड जाती है बड़ाबे साइड। तो हमें बड़ाबे साइड वाली रोड लेनी है और जब हम शिव टेम्पल जा रहे हैं तो वहाँ पे उसके रास्ते में भी बहुत सारे छोटे छोटे से टेम्पल है। सो वहाँ के भी दर्शन लेते हुए चलते हैं और ये रास्ता एकदम घने जंगलों के बीच में, सभी हम लोग चलते हैं। सो फाइनली मैं अपना सीक्रेट रिवील कर देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं थल केदार। तो थल केदार पिथौरागढ़ के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है और अभी हम लोग चलते हैं। अभी हमारी व्हीकल की जर्नी फिनिश हो गई है और यहाँ से हमें जाना है पैदल और ये थल केदार मार्केट से 21 किलोमीटर दूर से है और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से पैदल। 3 से 4 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर जाने के लिए। सो चलिए पूछते हैं कि लब्बू कैसा लग रहा है। अच्छा नानी कैसा लग रहा है? अच्छा तो बाबू बहुत ही अच्छा। रोहित दा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको? बहुत अच्छा। शाजी आपको? आपको बहुत अच्छा। दीवादी आपको? बहुत अच्छा। सो सभी को पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। सो चलिए चलते हैं। सो पहले घंटी बजा के शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़े, मेरे तो अभी हालत टाइट हो गई। अभी हम लोगों ने 2 किलोमीटर चल लिया है और अभी बस 2 किलोमीटर और बचा है और अभी जाते हैं ऊपर और थकान भी होने लगी है बहुत ज़्यादा। चलते हैं ऊपर। सो मेरे को तो अभी बहुत थकान हो रही है, मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊँ, लेकिन आगे दर्शन करने तो जाना ही है। अच्छा थकान नहीं। जब हम लोग ध्वज गए थे तब तो सबसे पहले पहुँच गया था लब्बू, अब अभी पहुँच जाएगा। सो थकान भी बहुत ज़्यादा होगी और अभी तक बहुत मतलब 2 किलोमीटर तो चल लिया है, अब और 2 किलोमीटर जाए। अब ये 2 किलोमीटर पार करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर और वहाँ पे करेंगे दर्शन भगवान जी के और हम लोग ने खाने के लिए इतनी चीज़ें ला रखी है। और तो हमने 1 वीक से लहसुन और प्याज खाना बंद कर दिया था क्योंकि जब भी हम लोग भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं खाते। सो अभी हम लोग ला रखे हैं कुछ फ्रूट्स और बाहर की खट्टर ऐसी चीज़ें मतलब आइटम्स और जूस ला रखे हैं बहुत सारे। सो अभी ऊपर जाते हैं और चलते हैं। हर हर महादेव।
सो यहाँ पे सीन कितना सुंदर लग रहा है, देखिए यहाँ पे पेड़ को ना बेंड कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पुराण के मानस खंड में महर्षि व्यास ऋषियों को बताते हैं कि सो यहाँ पे देखिए पत्थर की शिवलिंग बन रखी है और यहाँ पे घंटी बजा रखी है और यहाँ पे ऊपर भी देखिए पूरा शेप इसका टेंपल के जैसा है और नीचे भी देखिए गैप बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो यहाँ पे बैठने के लिए भी स्पॉट बनाया गया है, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर ना धूप का नामो निशान है, कहीं कहीं पर है धूप, वरना तो यहाँ पर छाया ही छाया, ठंडा भी बहुत। ये है फाइनल चढ़ाई और इसके बाद हमारा मंदिर आ जाएगा। सो चलते हैं जल्दी जल्दी से ऊपर। वैसे तो ये ध्वज से बहुत ही कम, मतलब ध्वज से कम चढ़ाई चढ़नी होती है इसमें। ध्वज तो एकदम स्ट्रेट वाली चढ़ाई थी तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और पैर में दर्द भी हो रहा था, और वहाँ पे ना जैसे हाई एल्टीट्यूड में था तो वहाँ पे एक रेलिंग भी ला रही थी, लेकिन यहाँ पे रेलिंग कुछ नहीं है और एकदम जंगल से कवर है ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी जाते हैं ऊपर। सो यहाँ पे ना बैठने के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉट्स बनाए गए, ध्वज में ही बनाए थे लेकिन उतने नहीं बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद स्पॉट्स बनाए गए बैठने के। और अभी यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल की वाइब आ रही है कि पेड़ में इतना बड़ा होल हो गया और यहाँ पे ना हम लोग इसलिए रुके हैं यहाँ पे अभी फ़ोटो खींचेंगे, और इतना सुंदर लगा अंदर तक ना पूरा एकदम ब्लैंक है ब्लैंक। और यहाँ पे देखिए उसके रूट गिर रखी है। ध्वज की तरह आगे पहुंच गए, सो आगे चले गए और लघु में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है पता नहीं। पापा आ गए रे, वो पापा दिखी नहीं रहे। सो हमने एकदम लंबी चढ़ाई खत्म कर लिया, अब 2 मिनट का रास्ता है बस, फिर हम लोग करेंगे अपने इष्ट देवता के दर्शन, और हमारे इष्ट देवता शिव जी है तो उनके दर्शन करेंगे, और अभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सभी चलते हैं। सो अभी मैं आप लोगों के साथ मुझे थलकेदार टेंपल के बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो जो थलकेदार मंदिर है वो धार्मिक स्थलों में से एक है और ये इसीलिए प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि ये पहाड़ी के एकदम टॉप में है और ये एकदम जंगलों से घिरा हुआ है, और शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला लगता है। जैसा कि थलकेदार शिव जी का टेम्पल है तो इसीलिए यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम बहुत ही भव्य मेला लगता है, और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु होता है वो इसमें पार्ट लेते हैं। और थलकेदार एक ऊँची सी चोटी में स्थित है, जैसी हमारे वैष्णो देवी मंदिर जो ऊंची सी चोटी में स्थित है, वैसे ही जो थलकेदार मंदिर है वो ऊंची चोटी में स्थित है, और जो वैष्णो देवी मंदिर की जो गुफा है वो पहाड़ के एकदम ढलान में है, और जो थलकेदार है वो पहाड़ के एकदम टॉप में है। सो थलकेदार टेंपल के पीछे एक पौराणिक कथा है जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में महर्षि व्यास जी जो थे वो ऋषियों को बताते थे कि सरयू और श्यामा नदी के बीच में एक पर्वत है जहाँ पर थलकेदार नाम के महादेव विराजमान रहते हैं, और उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते थे और वो पाप मुक्त हो जाते थे। सो जो श्यामा नदी है वो मानसरोवर के दक्षिण लिपि से निकलती है, और जो काली नदी है वो
मानसरोवर पथ के उपले दर्जे से निकलती है। सो थल केदार से 100 मीटर की दूरी भी एकदम साफ दिखाई देती है, एकदम विजिबल होती है, क्योंकि थल केदार एकदम माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड में, इसीलिए सब विजिबल है वहाँ। सो थल केदार हमारे ग्राउंड लेवल से 2450 मीटर ऊपर है। सो जब हम लोग थल केदार के रास्ते से आ रहे थे, तब हमें बुरांस के पेड़ दिखे, काफल के पेड़ दिखे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखी, हमें छोटी छोटी सी स्क्वायरल्स भी दिखी और बहुत ही मजा आया रास्ते में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, टेंपल्स में आके एकदम स्पिरिचुअल सी वाइब आ जाती है, मतलब एकदम बॉडी में एकदम फ्रेश फीलिंग आती है और जितनी भी हमारी थकान होती है वो सब मिट जाती है। और कुमाऊँ की एक बात तो बहुत अच्छी है कि हमारे जितने भी टेम्पल हैं वो एकदम हाई हाई एल्टीट्यूड में है और वहाँ से व्यू तो बहुत ही सुंदर आता है। और टेम्पल में ना इतनी फ्रेश एयर आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है, वाइब भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आप लोग कोई पिथौरागढ़ में घूमने की स्पिरिचुअल प्लेस ढूंढ रहे हैं तो थल केदार से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती है। सो आप लोग ज़रूर आके यहाँ पर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल वाइब आ रही है यहाँ पर और इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर हमें शिवलिंग पर अभी हम पानी चढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे शिव जी को पानी चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं शिव जी पे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। सो अभी हम लोग करते हैं पूजा और यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी हम लोग पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो पंडित जी के मंत्र उच्चारण से यहाँ पे पूरा एकदम स्पिरिचुअल सी वाइब आ रही है, एकदम शांति हो रही है। फिर पंडित जी एकदम शिव जी के मंत्र बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम स्पिरिचुअल सी वाइब आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी शिव जी को फूल अर्पित कर रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने पूजा भी कर ली है और थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद बाबा जी से थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। और अभी बाबा जी कह रहे थे कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, फिर हम आपको चाय देते हैं। सो अभी थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब इतना अच्छा लग रहा है, एकदम चार ओर देखिए कोहरा ही कोहरा हो रहा है और इतनी बड़ी बेल लगा रखी है यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना, एकदम पहाड़ों के बीच में मंदिर, ध्वज भी, ध्वज और ये मंदिर ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। सो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। सो अगर आप लोग थल केदार टेम्पल में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। और जिस टाइम हम लोग टेम्पल पे एंटर कर रहे थे तब पापा के फ्रेंड मिले थे, तो उन्होंने नाइट स्टे किया था और वो हमें बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे सभी चीज़ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो स्वामी जी है वो मतलब बहुत सब अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम, वाटर के लिए भी एकदम प्रॉपर सभी मैनेजमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं और सुबह और रात को यहाँ पे भजन चलता है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब आते हैं, अंकल बता रहे थे। सो हम लोग भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे करें। और अगर हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे तो हमें अपने साथ एकदम रॉ मटेरियल लाना होगा ताकि हम इसे कुक कर सके, और यहाँ पे यूटेंसिल सारे रखे गए हैं कि हम उसे यूज कर सके और अपने लिए फूड कुक कर सके। और यूटेंसिल सारे रखे गए हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ। तो यहाँ के ना इतनी शांति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में आ गए, एकदम जंगल के बीच में, हवा भी इतनी अच्छी आ रही है ना। सो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी यहाँ आइएगा, यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर है।
अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, सो अभी हम लोग जाते हैं नीचे और इसके बाद हम लोग जाएंगे लकेश्वर बाबा जी के मंदिर। वैसे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन करेंगे। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम पॉजिटिव वाइब आ रही है एकदम जंगलों के बीच में, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना धीरे धीरे करके कोहरा भी बढ़ते जा रहा है, सो अभी हम लोग जाते हैं नीचे। क्या कर रहे हो, नाच रहे हो? देखिए एकदम नेचुरल शिवलिंग बनाई है, और यहाँ से देखिए जो पानी आता है शिव जी को चढ़ा के वो नीचे जाने वाले वो भी बना रखा है। और यहाँ पे ना पानी डालेंगे तो यहाँ से शिव जी को पानी चढ़ेगा, बहुत ही सुंदर एकदम नेचुरल बना है खुद से शिवलिंग, और बहुत ही सुंदर। सो हम लोग ना घर से ही खाना लेके आए थे, क्योंकि ना मंदिर में बिना खाना खाए जाना पड़ता है, तो अभी खाना भी लेके आए उसे खाते हैं, और पूरी लेके आ रखे हैं, रोटी जूस वूस भी लेके आ रखे हैं, सब यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं। सो हम लोग जो खाना लेके आए थे वो हम लोगों ने खा लिया, हम लोगों ने अपना लंच फिनिश कर लिया, और जितना भी हमारा जो कूड़ा था वो हमने सब जला दिया, क्योंकि ना यहाँ पे ऐसे मतलब कितने टूरिस्ट आएंगे ऐसे फैला देंगे तो यहाँ के ना मतलब मंदिर के जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मतलब कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने जला दिया। सो आप लोग भी कभी आउटिंग में जाते हो तो अपने कूड़े को इकट्ठा करिए, या तो फिर जला दीजिए, या तो फिर उसे इकट्ठा करके एक जगह में रख दीजिए। सो थरकेदार मंदिर से आने के बाद यह मान्यता है कि हमें लटेश्वर बाबा जी के मंदिर भी जाना होता है। सो अभी हम लोग थरकेदार से आ गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं लटेश्वर बाबा जी के मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे गेट कितना सुंदर लग रहा है, उसमें डिज़ाइन बहुत ही सुंदर किया है, और पूरे घंटियाँ घंटियाँ लगा रखी हैं यहाँ पे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं लटेश्वर बाबा जी के मंदिर, सो चलिए चलते हैं। तो लटेश्वर बाबा जी के दर्शन करने से पहले हमें यहाँ पे अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं, सब यहाँ पे धोते हैं, और ये पानी को हम पी भी सकते हैं। तो पानी ना इतना ठंडा है, और हमारे साइड पानी इतना कम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए पानी की कमी नहीं हो रही है, वहाँ पे पानी इधर पानी 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 हो रहा है, और हमारे साइड पानी की इतनी ज्यादा कमी चल रही है, तो गुजगुज हो रही यार। सो यहाँ पे ना सिक्का डाल के अपनी विश मांगनी होती है, तो मैं भी अभी अपनी विश मांगती हूँ।
सो अभी हम लोग आ रखे हैं बड़ावे के पास में, एक झील है जिसका नाम है बुरास लोकवन झील। सो ये इतनी बड़ी झील है और बहुत ही गहरी है और यहाँ पे बैठने के भी हमारे लिए स्पॉट बनाए गए हैं। सो इस झील में ना मतलब फ्रॉग ने अपने बेबी दे रखे हैं। टेडपोल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से टेडपोल जो साइड में ऐसे तैर रहे हैं और ना इतने छोटे से हैं, सब उन्हीं को ही देख रहा है। और यहाँ पे देखिए हम पत्थर भी मार रहे हैं। सो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा जगह घूम गए और अभी हम लोग जाते हैं घर। तो आप लोगों को मेरा ये स्पिरिचुअल ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सर्कुलेट करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, बाय बाय।